बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान और चैनल आपका अपना K2। और इस वक्त मैं बलूचिस्तान के एक बहुत अहम शहर तुर्बत में मौजूद हूँ। तुर्बत के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं क्वेटा से लेकर गवादर और फिर गवादर से यहाँ तक मैंने तारीफ़ें की होंगी सब की, मगर जो तुर्बत है इनकी रूट से, इनकी सफाई से मैं बहुत मुतासिर हुआ। मैं इंशाल्लाह इनका बाज़ार भी आपको दिखा दूंगा, इनके गाने क्या गाते हैं वो गाने भी मैं सुनवाऊँगा। मगर इस वक्त जो मैं आपको एक अहम बात बताने वाला हूँ वो ये है कि ये दूसरी चौक है, आप देख रहे हो कि है। और यहाँ पे जब भी सुबह बच्चियाँ अगर हमारी गुजरती हो, अगर बच्चे यहाँ से गुजरते हो, वो अगर इस चौक को देखेंगे तो उनको इल्म से प्यार होगा, उनको तालीम की अहमियत के बारे में पता चलेगा। और जिस माशरे में, जिस इलाके में बच्चियाँ और बच्चे दोनों पढ़ लिख जाएं, उस इलाके को तरक्की से, उस इलाके को खूबसूरती से, उस इलाके को खूबसूरत होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। एक ज़माने में हम खानोजे की एजुकेशन की बातें करते थे, लेकिन तुर्बत आकर मुझे एहसास हुआ कि इस जदीद दौर में तुर्बत ने बहुत तरक्की की है। ख़ास तौर पर उस तरक्की का जो वजह है वो है तालीम। अल्लाह हम सब को इसका समझ दे कि तालीम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दौलत भी है, जेवर भी है और खूबसूरती भी है। और हमें तालीम पे वक्त लगाना चाहिए, अपने बच्चों और बच्चियों को इस जेवर से आरास्ता करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ तुर्बत, आइए हमारे साथ। सलामी जागी, सलाम बम। जनाब आला आदिल गार्ड बुराई माइनर तैयार। ओके नीचे बम। अगर इजाजत हो गार्ड को बर्खास्त करूं। हाँ ठीक है। बाजू बम, दाई पैर जी दोस्तों, इस वक्त मैं तुर्बत में हूँ, K2 का खूबसूरत स्क्रीन और प्रोग्राम आप देख रहे हैं जान जान बलूचिस्तान। और मैं डिप्टी कमिश्नर जनाब सिकंदर जीशान साहब के साथ उनके ऑफिस में मौजूद हूं। आज हम इस ज़िले के बारे में, इंतज़ामिया के बारे में, लोगों के बारे में, मसलों मसाइल के बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, अब ऑफिशियल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो आप तुर्बत का जो जोग्राफिया है वो ज़रा बता दें। ये हमारा ज़िला केच है, ये जुलाई 1977 में इसको ज़िले का स्टेटस मिला और इसका रकबा जो है वो तकरीबन 22,519 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके एक तरफ पंजकूर लगता है, एक तरफ अवारान लगता है, एक तरफ हमारा ईरान बॉर्डर है, एक तरफ गवादर है। और यहाँ पे तकरीबन हमारे दो बड़े दरियाएँ हैं, जो बड़े दरियाएँ हैं, एक हमारा केचकोर है और एक नहिंग रिवर है जो ईरान से एंटर होता है हमारे इलाकों में। और बुनियादी तौर पर यहाँ का जो हमारी चार सब डिविजन्स हैं, एक तुर्बत जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी, एक दश्त, एक बुलेदा और एक तुम्ब। और इसके अलावा जो यहाँ पे लोगों का ज़रिया मुआश है, यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो एसोसिएटेड हैं एग्रीकल्चर के साथ। उसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो ओमान और मस्कत में हैं और वहाँ पे उनके कारोबार और नौकरियाँ हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की, एक कि जो डेट प्रोडक्शन है हमारी वो थ्रू आउट पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो है वो तुर्बत में होती है। वन ऑफ द लीडिंग डेट प्रोड्यूसिंग है हमारा ये ज़िला। अच्छा सर सॉरी, आपने बात कही कि यहाँ पे दो दरिया हैं, तो इन दो दरियाओं के पानी से फ़ायदा उठाया जाता है या ये भी जाके समुंदर के साथ मिल जाते हैं? यहाँ पे एक 2007 में एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया था, मीरानी डैम,
और उससे अभी जो उसके नीचे इलाके है वो तकरीबन 32,000 एकड़ स्क्वायर किलोमीटर पे 32,000 एकड़ उसको हम सैराब कर रहे हैं, उस पर भी काम जारी है। और उसके अलावा मज़ीद ऑलमोस्ट 13 छोटे डैम हैं, 2-3 जो हैं वो बन चुके हैं, बाकी जो हैं वो अभी एक प्रोसेस में हैं। और एक और बहुत इसी तरह का मीरानी की तरह का एक बहुत बड़ा डैम हमारी आगे ये जगह है होशाब में सामी, वहाँ पे प्रपोज़ किया हमने और वो भी अभी प्रोवाइड करेगा पानी हमारे आने वाले मतलब फ्यूचर में तुर्बत सिटी के लिए। अच्छा, ज़रात क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपको के खजूर के बागात आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। दूसरे यहाँ पे लोग अपनी सब्जियाँ वगैरह भी उगाते हैं। बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड एग्रीकल्चर नहीं है यहाँ पे, चूँकि उस तरह से फैसिलिटेटेड नहीं रहा। वेदर बड़ा हार्श है यहाँ का। अभी जब लास्ट ईयर बारिशें हुई हैं या इस साल बारिशें हुई हैं तो वो 6 साल बाद हुई हैं, तो बहुत से लोग माइग्रेट करके, बहुत से लोग जो हैं वो अपने इलाकों को छोड़ के वो तुर्बत सिटी आ गए या गवादर या कराची शिफ्ट हो गए। तो इन अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, चूँकि हमारे इरिगेशन चैनल्स इतने डेवलप नहीं हैं, वाटर सप्लाई हर जगह पे नहीं है, तो उस वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो लेकिन मेनली जो है वो स्टिल लोग रिलाय करते हैं इन चीज़ों पे। अच्छा सर, एक बात आपने बताई, मुझे भी पता है कि यहाँ हर घर से 1-2 बंदे जो बाहर है मस्कत में और ओमान में, ज़ाहिर है वहाँ से जो है काफ़ी पैसे आते हैं यहाँ पे, तो वो पैसे कहाँ लग रहे हैं? मतलब आप ये समझते हैं कि वो पैसे कोई मस्बत जगहों पे लग रहे हैं या मनफी कामों में वो खर्च हो रहे हैं? क्योंकि जो मैं तुर्बत देख रहा हूँ माशाल्लाह, लोगों के बंगले बहुत खूबसूरत डिज़ाइन और मेरे ख्याल में नक्शे भी बाहर के लग रहे हैं मुझे, और भी तरक्की मुझे दिख रही है। लेकिन मैं वैसे आपसे पूछता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि उनके पैसे मस्बत लग रहे हैं या मनफी? जितने भी यहाँ पे मोस्टली फैमिलीज जो हैं, जिस तरह मैंने बताया, वो बाहर उनका कोई ना कोई होता है रोज़गार का सिलसिला, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बहुत से लोगों ने अपनी रिहाइश जो है वो कराची में की है, तो उससे डेफिनेटली उनको, उनकी फैमिलीज़ को, बच्चों को एक्सपोजर मिलता है एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और दूसरी, यहाँ पे अभी गुज़िश्ता तकरीबन 5-6 सालों से डेवलपमेंट शहर में इतनी हो गई है, चूँकि ये क्वेटा के बाद आबादी के लिहाज से भी दूसरा बड़ा शहर है, ऑलमोस्ट 9 लाख के करीब आबादी है यहाँ की, तो बहुत से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, शहरों में आना पसंद कर रहे हैं। और यहाँ का लिटरेसी रेट भी जो है वो 2nd हाईएस्ट है आफ्टर क्वेटा, तो लोगों के ट्रेंड्स आ रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ। और स्पेशली अब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हो गई है, तो लोग चाहते हैं कि वो तुर्बत सिटी में सेटल हों और यहाँ पे भी उनको उसी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं जो कि बाकी हमारे मुल्क के बड़े शहरों में हैं। चूँकि तुर्बत जो है वो अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में उसका शुमार डेवलप्ड और बड़े शहरों में होगा। अच्छा, ईरान के साथ हमारे एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, ठीक है ना, तो उससे आप क्या फ़ायदा समझते हो कि हम उठा रहे ईरान से? ईरान के साथ जो हमारी इस वक्त सबसे बड़ी डिपेंडेंस है, तो वो पूरे जो मकरान डिवीज़न की बिजली है वो हमें ईरान से आ रही है। और अभी चूंकि कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मकरान को नेशनल ग्रिड में लाने के लिए, तो वो होपफुली इन कमिंग ईयर्स हमारी वो डिपेंडेंस जो है वो किसी हद तक कम हो जाएगी, तो सबसे बड़ी तो ये है। उसके अलावा जो बॉर्डर ट्रेड होती है वो बहुत से, जब कभी हालात ख़राब नहीं थे तो तब तो यहाँ पे बाकायदा मार्केट्स थी जहाँ पे पठान भी थे, जहाँ पे पंजाबी भी थे, और यहाँ पे हर तरह की ट्रेड होती थी। लेकिन जब ज़रा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी सिवेयर हो गई तो उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई, लेकिन अभी भी काफ़ी ट्रेड जो है वो दोनों तरफ होती है। हमारे लोग अक्सर ये समझते हैं कि हमारी जो मसाइल का हल है वो कबाइली जर्गों में और कबाइली मशरान जो होते हैं उनके साथ बैठकर या उनके हवाले अपना केस करके वो बेहतर समझते हैं कि हो रहे, तो यहाँ के लोग किस तरह, कबाइलियत पसंद है या वो आपके पास आना पसंद करते हैं? डेफिनेटली चूँकि एक जो कल्चर में चीज़ सदियों से चली आ रही हो वो ओवरनाइट ख़त्म नहीं होती, लेकिन चूँकि हमारा सबसे बड़ा जो हमारी लाइबिलिटी है वो ये है कि हमने इस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड नहीं किया। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अभी सिर्फ 10% इलाका जो है वो पुलिस के, 90% इलाका जो है लीवीज़ के पास है, तो लीवीज़ मैनेज कर रही है चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन स्टिल उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की और उन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हम जो इंसाफ से मुंसलिक इदारे हैं
वो लोगों के जितना करीब होंगे उतनी उनकी इंसाफ तक रसाई होगी, उतना उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सीपेक का इस पूरे रीजन पे आपके ख्याल में क्या असरात होंगे? हम सीपेक का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, चूँकि गवादर से जब ये निकलेंगे, जब पोर्ट के थ्रू जो भी ट्रेड होगी, इम्पोर्ट्स एंड ऑल दैट, वो इसी रूट के थ्रू होगी। ये जो M8 है, जी जो लिंक करती है गवादर से तुरबत को और ऑनवर्ड्स ये जाती है फिर आवरान और उधर से आगे जाएगी सिंध एंड देन फर्दर, तो वी आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सीपैक, नंबर वन। नंबर टू के जितना भी इसका ओवरऑलिंग इफेक्ट आएगा, स्प्रॉलिंग इफेक्ट आएगा गवादर की डेवलपमेंट का, वो गवादर से ज़्यादा तुरबत में आएगा। अभी भी अगर आप देखें, फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे हमारे पास बड़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो डेवलप हो रही हैं, या जितने भी लोग मोस्टली जो काम करते हैं गवादर या आसपास के इलाकों में, वो प्रेफर करते हैं तुरबत आना और तुरबत में रहना। और अभी तुरबत में मतलब तकरीबन 70+ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो अभी डेवलपमेंट फ़ेज़ में हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़ और वो सारी चीज़ें जो सीपैक से मुंसलिक हैं, उनके वो एलिमेंट्स जब इधर आते हैं, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारी 2 इंडस्ट्रियल इस्टेट अप्रूव हुई हैं इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट में, और उसके अलावा एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी रोड्स हैं जो बन रही हैं, जो कि बड़ी मेजर रोड्स हैं। एक हमारी तुरबत बुलेदा रोड है, एक तुरबत मंद रोड है जो ईरान बॉर्डर से हमें कनेक्ट करती है, तो वो अगर बन जाती हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज़ होंगी और लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, और जो डिपेंडेंस है मोस्टली लोगों की प्रिमिटिव एग्रीकल्चर पे या बाहर जाने पे, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। जी दोस्तों, इस वक्त K2 चैनल पर आप प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान, और मैं मौजूद हूँ तुरबत में। आप लोगों को मालूम है मैं एक बहुत ज़बरदस्त मुकद्दस जगह, पाक जगह में इस वक्त मौजूद हूँ। हमने एक फ़िक्के के बारे में बहुत बातें सुनी हैं कि ज़िक्री एक फ़िक्का है, और वो ख़ास तौर पर इन इलाकों में जो मकरान है, तुरबत है और गवादर है, और इन इलाकजात में एक फ़िक्का है जिसके लोग ज़्यादा पाए जाते हैं और वो ही ज़िक्री कहलाते हैं। अब हमारे कमज़ोरी ये है कि हम एक बात सुन लेते हैं और उसके बाद उस पर फ़ौरन यकीन कर लेते हैं, और उसको बग़ैर तस्दीक किए हम आगे भी पहुंचा लेते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम बहुत से गलत बातें, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी बातें होती है जिनका वजूद ही नहीं है सिरे से, कोई बंदा ज़िंदा सलामत फिर रहे और उनका मौत का खबर शाया करते हैं, देते हैं सोशल मीडिया पे। इसी तरह कुछ मजहबी अकायद से वाबस्ता बातें भी हम बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तसली किए हुए, बग़ैर रिसर्च किए हम आगे पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो आज हम एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करेंगे, हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि मोहब्बत से आप लोगों को अपने नज़दीक ला सकते हो, डंडे के ज़ोर से या गुस्सा करके या किसी और के अकीदे को गालियाँ दे के, बुरा कह के, आप कभी भी उनको नज़दीक लाने में कामयाब नहीं हो सकते। इनका अपना एक अकीदा है, अंदाज मोहब्बत है अल्लाह ताला के साथ। इन्होंने कहा कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम कोई दूसरा काबा नहीं है। ये वैसे एक प्रोपेगेंडा है, देखिए ये कितना बड़ा, ये मैंने खुद सुनी है ये बात कि भाई इनका अपना अलग काबा है और इन्होंने वहाँ पे तुरबत में, गवादर में, देखिए ये बात झूठ निकली। इसी तरह हमें झूठी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। शिया सुन्नी के पास जाता है, उनका मजहब का स्टडी करे, अकीदे का स्टडी करे, सुन्नी शिया का अकीदे का स्टडी कर ले, इनके पास आ जाए, तो कोई ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने मुफाद के लिए ये फ़र्क को बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं ताकि उनके इर्द गिर्द कोई 15, 20, 50, 100 बंदे इकट्ठे हो जाए और उसका दुकान चलता रहे।
तो इस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को मंदिर भी दिखाया, मैंने गुरुद्वारा भी दिखाया, मैंने चर्च भी दिखाया, मैंने मज़ार भी दिखाया और मैंने मस्जिद भी दिखाया। तो आज जब हम तुर्बत आ गए थे तो मैंने अब्दुल कदीर लुकमान साहब से ख़ास रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे ये ज़िक्री जो एक फिक्का है उसके बारे में किस्म किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको लिए चलता हूँ, आप हमारी मस्जिद को देखे, जो कुरान हम पढ़ते हैं जिस पे यकीन रखते हैं वो कुरान आप देख लें, और हम एक अल्लाह को मानते हैं और आखिरी रसूल को हम हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वाकई बात जो है ना उसी तरह का निकली। तो चलो, तुर्बत बहुत खूबसूरत इलाका है, हम कहीं और आपको लिए चलते हैं।